दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया परिवार के बारे में। अगर आप लोगों ने सहारा इंडिया परिवार में अपनी आईडी एफडी कुछ भी करा रखा था तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि अवगत कराया गया है कि सरकार की तरफ से आप लोगों को रिफंड दिया जा रहा है। अगर आप लोगों ने अपना रिफंड फॉर्म फिल कर दिया है और उसका स्टेटस जानना चाहते हैं कि कैसे आप लोग जान पाएंगे कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है या अप्रूवल किया गया है या यहाँ पे अभी आप लोगों का अंडर प्रोसेस ही शो कर रहा है, तो आप लोगों को अगर अप्लाई किए हुए 40 दिन हो चुके हैं या 40 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे यही प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि आप लोग अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा जिससे मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके दिखा सकूँ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू कर लेता हूँ। आप लोगों को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे गूगल क्रोम ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है CRCS रिफंड सहारा पोर्टल। तो जैसे सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने पहली साइड यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसी साइड पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करते हैं तो अगला इंटरफेस यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे अब आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जमाकर्ता करण पंजीकरण, जमाकर्ता लॉगिन। तो यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जमाकर्ता जो लॉगिन देख रहे हैं तो यहाँ पे हम जमाकर्ता लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जमाकर्ता लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको आधार के 4 नंबर यानी लास्ट के 4 नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आधार के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को OTP प्राप्त करें के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने आधार नंबर मोबाइल नंबर डाल के OTP प्राप्त करें पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं मुझे OTP प्राप्त हो चुकी है। जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगी, वो OTP यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फिल कर देना। मुझे OTP प्राप्त हो चुकी है, हमने OTP डाल लिए। अगर आपको OTP नहीं प्राप्त होती है तो यहाँ पे आप लोगों को ये सेकंड देखने को मिल रहे हैं, तो इस सेकंड तक यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पुनः से OTP प्राप्त करने का ऑप्शन आ जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे, दोबारा OTP मंगा सकते हैं। हमें OTP प्राप्त हो गई है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, OTP सत्यापित करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे OTP सत्यापित करें के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों को दो मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दावा दिनांक। तो यहाँ पे दावा दिनांक यानी ये दावा दिनांक क्या है, यहाँ पे जब आप लोगों ने सहारा इंडिया परिवार में आप लोगों ने अकाउंट ओपन कराया था यानी आपने RCFD जो भी यहाँ पे RDFD ओपन कराई थी वो डेट यहाँ पे दावा दिनांक होती है। आपका दावा आवेदक संख्या जो है वो भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में एक आवेदन संख्या मिलती है, वो यहाँ पे आप लोगों को शो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे सदस्य संख्या आप लोगों को देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को संख्या खाता संख्या मिलेगी, यहाँ पे रसीद संख्या मिल जाती है, यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या मिल जाती है, यहाँ पे खाता खोलने की तिथि मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस देखने को मिलेगा अंडर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को जो अंडर प्रोसेसिंग देखने को मिला है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हमने यहाँ पे दो दावे जोड़ रखे हैं, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाते होंगे दो दावे हमारे पास यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पे आप लोग देखेंगे 15,200, एक यहाँ पे 1,000 का यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है। दोनों का स्थिति अभी अंडर प्रोसेस है। नीचे यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में बताई गई है, ये पूरी चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे आप लोगों को समझा दी गई है, यहाँ पे हिंदी ये इंग्लिश। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग अपने स्टेटस देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों का कंप्लेन लिख आ गया तो ये मान लो कि आपका दावा एक्सेप्ट कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा, रिजेक्ट का कारण क्या है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और आपको मोबाइल के द्वारा बताया जाएगा मैसेज के थ्रू कि आपकी स्थिति में यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है तो किस लिए रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे इस प्रकार से अपने दावे का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी सही लगी होगी। जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटा प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।